नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू PSA अड्डा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में। अब ये बिल क्या है, यहाँ पर अगर हम देखें तो इस प्रोटेक्शन बिल की मदद से व्यक्तिगत डेटा के इस्तेमाल पर रोक लगाई जा सकती है। आप सभी जानते हैं कि पर्सनल डेटा यानी कि व्यक्तिगत डेटा का मतलब ही क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक निजी डेटा होता है जो वह किसी के साथ या तो शेयर नहीं करना चाहता या फिर वह उसको बहुत ही प्राइवेट तरीके से रखना चाहता है। आप यहाँ पर देख पाएंगे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का आर्टिकल है, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल लाइकली टू बी टेबल्ड इन पार्लियामेंट इन बजट सेशन। अब डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को आज के इस वीडियो में कि आखिर पर्सनल प्रोटेक्शन जो डेटा बिल है ये क्या है और क्यों बनाया गया था, कब बना था, बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको। आप हमारी क्लासेस की नोटिफिकेशन के लिए PSA अड्डा टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आप हमारी बहुत सारी क्लासेस की क्विज़ के लिए Instagram और Facebook के पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप MPPSC एस्पिरेंट्स हैं तो आप हमारे MPPSC जो कोर्स है इसे आप परचेस कर सकते हैं PSA.com वेबसाइट पर जाकर, और इसके लिए आपको फ्री डेमो वीडियोस भी मिल जाएंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। नाउ सबसे पहले बात करते हैं आखिर खबर आई क्या है। देखिए, खबर ये है कि जो व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक है, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, इसको अगले साल ठीक है 2021 में संसद के बजट सत्र जो आने वाला फरवरी में बजट सेशन होगा पार्लियामेंट में, उस बजट में पेश किए जाने की यहाँ पर उम्मीद जताई जा रही है। ठीक है, इसमें क्या है कि नागरिकों की स्पष्ट सहमति के बिना उनके व्यक्तिगत डेटा के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का इसमें प्रस्ताव किया गया है। नाउ यहाँ पर अभी क्या है कि ये जो डेटा प्रोटेक्शन बिल था इसको काफ़ी पहले ही लाया गया था, परंतु अभी इसको यहाँ पर पारित करने के लिए उम्मीद जताई जा रही है कि जो बजट सत्र है आने वाला उसमें यहाँ पर इसको पास किया जाएगा। अगर हम बात करते हैं तो चूँकि आप सभी परिचित हैं सोशल मीडिया से, आज की तारीख में कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से अछूता नहीं होगा कि वह किसी भी सोशल साइट्स का उपयोग नहीं करता हो, चाहे आप फेसबुक को लीजिए, इंस्टाग्राम को, व्हाट्सअप को या फिर अन्य कोई भी सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ को। आप सभी जानते हैं कि सोशल मीडिया या फिर बहुत सारे जो सरकारी विभाग होते हैं, इसके अलावा बहुत सारी प्राइवेट कंपनियों में आपको अपना जो है निजी डेटा शेयर करना पड़ता है, जैसे कि आपका नाम, जानकारी, पता इत्यादि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आज की तारीख में आपको चाहे धरातल स्तर पर भी शेयर करना पड़ती है कंपनियों के साथ। इसके अलावा अगर आप इंटरनेट यूज़र्स हैं ठीक है, तो उसमें भी आपको अत्यधिक तौर पर जैसे कि बहुत सारे ऐप्स में आज की तारीख में गूगल जो होता है ठीक है, जीमेल के लिए भी बहुत सारी जो है आईडीज में डायरेक्ट वे डेटा मांगते हैं ठीक है, जिसके लिए आप जानते हैं कि KYC ठीक है, कंपनी ये जानना चाहती है कि उनका कस्टमर कौन है, ठीक है नो योर कस्टमर्स ठीक है, इसके लिए वो बहुत सारे जो है यहाँ पर अकाउंट्स को वेरीफाई करने के लिए कहती हैं। इसी प्रकार से आप सभी जानते हैं कि जब हम आज की तारीख में इंटरनेट यूज़र्स हैं तो इस वजह से बहुत सारा जो डेटा होता है अक्सर जो है जैसे कि विदेशी जो कंपनियाँ हैं लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप, ये बहुत सारी जो विदेशी कंपनियाँ हैं अलग अलग देशों की, ये यहाँ पर इंडिया में हमारी कार्यरत हैं और इसी की वजह से इनके यहाँ पर जो हब है वो यहाँ पर न होने की वजह से इनका जो डेटा है वह विदेशों में चला जाता है। इस वजह से समय समय पर ये बात उठती आती है कि जो सोशल मीडिया के यहाँ पर जो डेटा होता है इनका जो है दुरुपयोग किया जा सकता है, या फिर बहुत सारी कंपनियों में भी जो व्यक्तिगत डेटा होता है उनका यहाँ पर बहुत गलत तरीके से भी इनका उपयोग किया जा सकता है। तो इस कारणवश जो डेटा की ये समस्या है ठीक है, इसकी बहुत ही बड़े पैमाने पर इसको सुरक्षित रखने के लिए यहाँ पर ये जो पर्सनल प्रोटेक्शन डेटा बिल था इसको हमारी संसद के द्वारा लाया गया है। सबसे पहले बात करते हैं इसके इतिहास की, पृष्ठभूमि की। आखिर जो ये पर्सनल प्रोटेक्शन की बात आई है आखिर ये कब आई है? देखिए, सरकार जो थी हमारी गवर्नमेंट, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अगस्त 2017 के एक फैसले के बाद इस विधेयक का जो है मसौदा तैयार किया गया था जिसमें निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया था। आप सभी को याद होगा कि आधार जब गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर लाया गया था तो आधार को चुनौती दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में। जब आधार का मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था तो उसी के बेस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो है फैसले में ये बात की थी कि प्रत्येक व्यक्ति का जो है अपना एक अधिकार होता है जिसे इन्होंने नाम दिया है निजता का अधिकार ठीक है। संविधान के आर्टिकल 21A के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसे परिभाषित किया है निजता। आखिर निजता क्या है? देखिए, आप अगर ये नहीं चाहते हैं कि किसी भी अपनी निजी जानकारी किसी और व्यक्ति को पता चले, यही क्या होती है? निजता होती है, यानी कि आप अपनी जो है प्राइवेसी को बरकरार रखना चाहते हैं ठीक है, तो इसको कहते हैं हम निजता के अधिकार को ठीक है। तो इसे मौलिक अधिकार घोषित कर दिया, तभी से लेकर 2017 से इस हम कहें कि प्राइवेसी प्रोटेक्शन को लेकर जो है यहाँ पर बहुत सारी जो है
घटनाएं हुई है। तो इसी के बाद यहाँ पर क्या हुआ कि जुलाई 2017 में सरकार के द्वारा एक समिति बनाई गई न्यायमूर्ति बी एन श्रीकृष्ण की अध्यक्षता में, ठीक है, 10 सदस्यीय इस कमेटी की जो है स्थापना की गई थी। और बाद में इस कमेटी ने इस पूरे मामले पर जो है यहाँ पर जांच करते हुए इस पर जो है एक रिपोर्ट, ठीक है, मसौदा यहाँ पर पेश किया गया था। और इसी मसौदे के आधार पर यहाँ पर एक विधेयक जो है बनाया गया था। इस विधेयक के मसौदे को यहाँ पर जो मंत्रिमंडल था, कैबिनेट मंत्रिमंडल, उन्होंने दिसंबर 2019 में यहाँ पर मंजूरी दे दी थी। तो यहाँ पर ये जो बी एन श्री कृष्ण के द्वारा एक मसौदा तैयार किया गया था, इसी को यहाँ पर एक विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया गया और फिर यहाँ पर लोकसभा में इसको मंजूरी दी गई थी। अब यहाँ पर क्या है कि वास्तव में अभी वर्तमान में ये कंडीशन है इस विधेयक पर कि जो व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक है, इस पर एक संयुक्त कमेटी बनाई गई थी जो इसको यहाँ पर जांच परख रही है, ठीक है। तो जो संयुक्त समिति थी इस पर जो जांच कर रही थी, इसका कार्यकाल अभी जो शीतकालीन सत्र था इसके दूसरे सप्ताह तक इसको बढ़ा दिया गया है। समिति के जो सुझाव को शामिल करने के बाद इस पर जो अंतिम विधेयक है उसको संसद के बजट सत्र में पेश किए जाने की यहाँ पर उम्मीद है। अब ये विधेयक जो था वो पहले ही फरवरी 2020 में यहाँ पर लोकसभा में पेश किया गया था, जिसके बाद जो है इस विधेयक को दोनों सदनों की एक संयुक्त संसदीय कमेटी के पास भेज दिया गया था। और इस समिति की जो अध्यक्षता है, ठीक है, जो संयुक्त कमेटी है जो इस बिल को यहाँ पर जांच और परख रही है, उसके बाद यहाँ पर जो अंतिम विधेयक होगा उसको फिर संसद में लाया जाएगा। तो ये जो अध्यक्षता थी इस कमेटी की वह किसने की है, भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी, ठीक है, ये कर रही है। और यहाँ पर इस विधेयक पर यहाँ पर इसकी जांच चल रही है, ठीक है। अब बात करते हैं आखिर इस पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल में आखिर क्या क्या कुछ प्रावधान है, महत्वपूर्ण प्रावधानों की बात करते हैं। देखिए, ये जो विधेयक है इसमें व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए एक तंत्र जो है बनाया गया है, शामिल किया गया है। इसके लिए एक डेटा संरक्षण प्राधिकरण, ठीक है, इसकी स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। यानी कि अगर कोई डेटा संरक्षण संबंधित कोई मुद्दा उठ जाता है तो उसके लिए एक अलग से प्राधिकरण जो है यहाँ पर बनाया जाएगा और वहाँ पर वो स्पेशली उसके लिए ही कार्य करेगा। सेकंड, यहाँ पर कि केंद्र सरकार किसी भी सरकारी एजेंसी को विधेयक से, ठीक है, छूट दे सकती है और भूल होने का अधिकार इसको शामिल करती है इस विधेयक में। तो यहाँ पर जो सरकार है, ठीक है, वह सरकारी एजेंसी को इस प्रकार से भूल होने का अधिकार देती है कि अगर उससे डेटा के मामले में अगर कोई गलती हो जाती है तो वहाँ पर एक हम कहें कि भूल होने के अधिकार के तहत जो है गवर्नमेंट इसको नेगलेक्ट कर सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार का भी प्रावधान इस विधेयक में है। यहाँ पर अगर हम देखें आगे तो इस विधेयक में जो महत्वपूर्ण प्रावधान है कि डेटा प्रोसेसर के लिए जुर्माना लगाने का भी प्रावधान यहाँ पर किया गया है। साथ में डेटा प्रोटेक्शन जो कानून है इसके उल्लंघन के लिए डेटा प्रदाता यानी कि जो डेटा प्रोवाइड कर रहा है उसको भी मुआवजा भी देने की यहाँ पर प्रावधान किया गया है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर प्रावधान है कि प्रावधानों को उल्लंघन करने पर किसी भी डेटा संग्रह या प्रोसेसिंग इकाई के कुल विश्वव्यापी कारोबार का 4% या 15 करोड़ रुपए तक जो है जुर्माने के रूप में देना हो सकता है। अगर किसी कंपनी के द्वारा जो है डेटा का दुरुपयोग हुआ, जैसे कि अगर मान लेते हैं आज की तारीख में आप किसी भी कंपनी से, जैसे कि अमेजोन कंपनी होगी, फ्लिपकार्ट कंपनी होगी, अगर इनके पास भी डेटा है और अगर ये डेटा का अगर दुरुपयोग करते हैं तो अगर ऐसा कुछ किया जाता है तो उस पूरे जो है कंपनी है उसके कुल विश्वव्यापी टोटल दुनिया का जो कारोबार है उसका या तो 4% जुर्माने के रूप में लिया जाएगा या फिर 15 करोड़ रुपए तक जो है जुर्माना उस कंपनी पर लगाया जा सकता है इस प्रोटेक्शन बिल के तहत, ठीक है। तो इस प्रकार के कुछ प्रावधान है। इसके अलावा यहाँ पर ये जो मुख्य प्रावधान आता है कि विधेयक इंटरनेट कंपनियों द्वारा व्यक्तियों के महत्वपूर्ण डेटा को देश के भीतर ही, ठीक है, स्टोर करने का अनिवार्य करता है, जबकि किसी व्यक्ति की मंजूरी के बाद ही उसके संवेदनशील डेटा को विदेश भेजा सकता है। आप सभी जानते हैं कि अभी वर्तमान में जितने भी सोशल मीडिया है या फिर बहुत सारी विदेशी कंपनियां जो हमारे इंडिया में कार्यरत हैं, जैसे कि अमेजोन कंपनी को ले सकते हैं, फेसबुक को ले सकते हैं, तो इन सभी के जो सर्वर स्टोर होते हैं वह उन्हीं के कंट्री में वहाँ पर होते हैं। तो यहाँ पर जो स्थानीयकरण का जो मुद्दा है, डेटा स्थानीयकरण का जो मुद्दा है, उसके तहत यहाँ पर इंडिया की गवर्नमेंट ने इस संसद का जो बिल है, ठीक है, इसमें यहाँ पर प्रावधान किया गया कि जो कोई भी डेटा हमारे इंडिया का है उसको यहीं पर जो है रखना होगा अनिवार्य रूप से कंपनी के द्वारा, और अगर व्यक्ति चाहता है तो व्यक्ति की मंजूरी लेकर वह कंपनी जो है उसका जो संवेदनशील डेटा को फिर अपनी कंट्री तक भेज सकता है। तो इस प्रकार का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। इसके अलावा डेटा सुरक्षा उल्लंघन के मामले में त्वरित जो है कार्रवाई करने में विफलता के लिए 5 करोड़ या फिर कुल टर्नओवर, ठीक है, उस कंपनी का जो भी टर्नओवर होता है साल भर में उसका 2% यहाँ पर जुर्माना इस पर लगाया जा सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो है प्रावधान यहाँ पर किए जा चुके हैं इस विधेयक में और इसी को यहाँ पर
यहाँ पर आगे बढ़ाया जाएगा। अब बात करते हैं आखिर ये जो डेटा प्रोटेक्शन बिल है, क्या इसके अलावा हमारे इंडिया में कोई और मौजूदा नियम है या नहीं। देखिए अभी भारत में इंडिया में कुछ यहाँ पर अधिनियम बने हुए हैं, जैसे कि आप देखेंगे तो भारत के पास अभी इस संदर्भ में कुछ प्रासंगिक कानून ज़रूर मौजूद है। बड़े पैमाने पर यहाँ पर कोई ज़्यादा प्राइवेसी प्रोटेक्शन बिल तो नहीं है, परंतु फिर भी जैसे कि आप देखेंगे कि इंडिया में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 पहले से ही कार्यरत है। इसके अलावा पहले जब हमारे यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस समय भी भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 यहाँ पर बनाया गया था, तो इनके तहत भी यहाँ पर डेटा संग्रहण संबंधी इस पर पहले से ही कुछ कार्य किए जा चुके हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो सूचना प्रौद्योगिकी जो अधिनियम है 2000, इसके तहत क्या होता है कि व्यक्तिगत डेटा के गलत तरीके से प्रकटीकरण और दुरुपयोग के मामले में मुआवजे के भुगतान और सजा का प्रावधान, यानी कि आप देखेंगे तो यहाँ पर मुआवजे से संबंधित और सजा का प्रावधान दोनों ही इस पहले से ही 2000 वाले सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में कर दिया गया है। तो फिर भी यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि ये जो प्राइवेसी प्रोटेक्शन बिल है आखिर इसकी आलोचना क्या हो सकती है। देखिए ये जो बिल है ये संपूर्ण तरीके से हम कहें कि व्यक्तिगत जो डेटा है इसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। तो यहाँ पर जो ये श्री कृष्ण न्यायमूर्ति थे, इन्होंने जो मसौदा तैयार किया था, इन्होंने ही यहाँ पर सरकार की आलोचना की है कि सरकार किसी भी समय संप्रभुता, ठीक है, या फिर सार्वजनिक जो है व्यवस्था के आधार पर इस प्रकार का जो है हवाला देकर गवर्नमेंट जो निजी डेटा है किसी व्यक्ति का या सरकारी एजेंसी इसके डेटा का जो है यहाँ पर उपयोग कर सकती है। इसके जो है बहुत ही खतरनाक जो है निहितार्थ हो सकते हैं, यानी कि यहाँ पर हम कहें कि पूर्ण रूप से तो इस बिल की मदद से जो डेटा है उसको प्रोटेक्शन नहीं मिल सकता, परंतु ज़्यादातर अगर मायने में देखा जाए तो इस बिल की मदद से किसी व्यक्ति के जो है निजी डेटा को यहाँ पर प्रोटेक्शन ज़रूर होता है। अगर निष्कर्ष रूप में अगर हम इस पूरे टॉपिक को कंक्लूड करें तो देखिए कि भारत की जो तकरीबन 1 बिलियन से जो है अधिक आबादी में लगभग 500 मिलियन सक्रिय जो है वेब उपयोगकर्ता है, यानी कि 500 मिलियन जो है लोग इंडिया के वह क्या करते हैं वेबसाइट्स को या फिर हम कहें कि नेट सर्फिंग करते रहते हैं। ठीक है, भारत का जो है ऑनलाइन बाज़ार चीन के बाद जो है सबसे बड़ा बाज़ार है इस मामले में, और ऐसे में यह अनिवार्य हो जाता है कि ऑनलाइन बाज़ार को विनियमित करने का यहाँ पर भारत को प्रयास किया जाना चाहिए। तो इसी के लिए यहाँ पर भारत के द्वारा ये जो है बिल लाया गया है, और इसी पर यहाँ पर हम कहें कि इसको कानून बनाने के लिए चर्चा फरवरी का जो बजट सेशन होगा हमारे इंडिया में उस पर किया जाएगा। फिर भी यहाँ पर हम कहें कि ये जो बिल है वो काफ़ी हद तक हो सकता है कि सराहनीय कदम है, क्योंकि ये संपूर्ण तरीके से तो प्राइवेसी प्रोटेक्शन को कवर नहीं कर पाता है, फिर भी यहाँ पर कुछ इसकी अगर हम अच्छाइयों को देखें तो ये काफ़ी हद तक हमारे इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि आज की तारीख में अगर हम देखें तो इंडिया जो है वो डिजिटलाइजेशन की तरफ जो है बढ़ रहा है। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो फोन पे जैसी समस्या, या फिर हम कहें कि हम डिजिटल रूप में जब जैसे जैसे यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा होती जा रही है वहाँ पर डेटा की समस्या भी यहाँ पर बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर डेटा किस प्रकार से सिक्योर रहेगा, क्योंकि हैकर्स जो होते हैं वह बहुत बड़ी बड़ी हम कहें कि अच्छी कंपनियों के तक जो है यहाँ पर डेटा को हैक कर लेते हैं। तो ये है इस टॉपिक का एंड, और यहाँ पर आप हमारा MPPSC कोर्स परचेस कर सकते हैं PISRA.com वेबसाइट पर जाकर। तो फ्रेंड्स आप इस टॉपिक के बारे में क्या राय रख सकते हैं वे आप मुझे कमेंट करके जो है बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।